हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हलवाई स्टाइल बालूशाही की रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बालूशाही को। जिसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी भर के मैदा, एक चम्मच छोटी चम्मच से बेकिंग पाउडर, 3 से 4 चम्मच दही, आधा कटोरी तेल, 1 कटोरी चीनी, जितना हम मैदा लिए हैं उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी लिए। बालूशाही बनाने के लिए मैं एक गमला लिए हूँ। गमला में मैं डाली हूँ मैदा, बेकिंग पाउडर, तेल, दही, 3 सभी को डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिला लीजिए। पानी का यूज बिल्कुल नहीं कीजिए। ऐसे ही ये देखिए, मिलाने के बाद ये ऐसा है। अब इसे ढक के छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए, 15 मिनट बाद अब ये ऐसा है। इसे फिर से मिला देंगे। ये देखिए, अब हम इसी तरह से ऐसे ही दबा दबा कर बालूशाही का शेप देंगे। ये देखिए, सारे बालूशाही को हम बना लिए हैं। दूसरी तरफ गैस में रखे हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डाले हैं रिफाइंड ऑयल। जब मीडियम गरम हो गया है तब इसमें बालूशाही डाले हैं। जब मीडियम गरम हो तभी आप अपने बालूशाही को डालिए। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे हम पलट देंगे दूसरी तरफ के लिए। धीरे हल्के हाथों से इसे पलट देंगे। ये देखिए, सभी के दौरान गैस को मीडियम रखेंगे। अगर हम ज़्यादा हाई करेंगे तो बालू शाही ऊपर से अच्छे से पक जाएंगे, लेकिन नीचे से नहीं पकेंगे, इसीलिए इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। ये देखिए, बालूशाही बहुत अच्छा बनता है। तो दोस्तों, एक बार आप लोग इस बालूशाही को जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, बालूशाही बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस से हमने सारे बालूशाही को बना लिए हैं। दूसरी तरफ गैस में हम रखे हैं एक कढ़ाई, इसमें डाले हैं चीनी। इस कटोरी से चीनी, उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी। अब इसका हम चाशनी बना लेंगे। देखिए, अब इसमें हम 8 से 10 नींबू का डालेंगे। नींबू डालने से होगा क्या, जब चाशनी नीचे रखेंगे तो
चाशनी जम जाता है, नींबू अगर डाल देंगे तो चाशनी नहीं जमेगा। चाशनी जब मीडियम गरम रहे तब इसमें हम बालूशाही को एक एक करके डालते जाएंगे। ये देखिए, सभी बालूशाही को एक एक करके डाल देंगे। हरे चाशनी में हम डुबा दिए हैं। 5 मिनट एक तरफ रहने के बाद इसे दूसरे तरफ हम पलट दिए हैं। आप चाहो तो इसे आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा बालूशाही की रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट में जरूर कीजिए। थैंक यू।